दोस्तों वीडियो आप देखते रहिए, मैं डायरेक्ट ऐसे बता देने वाला हूँ आपको कि मतलब कि आपको मेरा साउंड और वीडियो का जो है वो एकदम सेम नहीं होगा, लेकिन मेरे साउंड के अकॉर्डिंग आप वीडियो को देखते रहिए कि आपको सेम टू सेम समझ में आएगा। सबसे आपको पहले VNF डाउनलोड करना पड़ेगा। VNF में आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके वीडियो को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करने होंगे, तो मैंने कुछ 8 फ़ोटो सेलेक्ट किया है, तो उसी तरह से आप भी कुछ 8 फ़ोटो सेलेक्ट कर दीजिएगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोटो के हर फोटो को अच्छे से देख लीजिएगा, फ़ोटो चेक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके म्यूज़िक से म्यूज़िक सेलेक्ट करना, ठीक है। तो म्यूज़िक के ऊपर आ गए, यहाँ से हमें क्या करना होगा कि ऊपर प्लस का आइकन है, इधर से हमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी म्यूज़िक बना हुआ है, तो हम इसको यहाँ से हर म्यूज़िक के साउंड के अनुसार हम उसके ऊपर बीट सेट करना हो। तो जैसे इस चंडी के ऊपर टच करते हैं तो ये बीट बन जाता है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह जिस तरह से टाइमिंग लगा हुआ है 1 2 3 4 करके पूरा 8 तक है, ये टाइमिंग पूरा सेट किया हुआ है, तो इस इसी के अनुसार आपको भी बीट बना देना, ठीक। बीट बनाने के बाद आपको राइट क्लिक करके डायरेक्ट VN एडिटिंग मोड में आ जाएगा। VN एडिटिंग मोड में आने के बाद आपको क्या करना है कि जिस तरह से बीट लगा हो उसी अनुसार आपको भी फ़ोटो को स्प्लिट करना है। जिस तरह से मैंने एक फ़ोटो को स्प्लिट किया है उसी तरह से आपको भी फ़ोटो को स्प्लिट करते रहना, ठीक है। हर एक फ़ोटो को स्प्लिट करते रहना, हर एक फ़ोटो को स्प्लिट करके करीबन 8 फोटो सबको स्प्लिट कर दिया हमने। अभी क्या करना है कि FX और इफेक्ट की बारी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट फोटो में एक फर्स्ट फोटो तो ठीक है, लेकिन हमें सेकंड फोटो को पहले कर देते, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हर प्लस का आइकन है उसके ऊपर हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी प्लस के आइकन के ऊपर आ गए हमें क्या करना है, प्लस के आइकन के ऊपर जो जूम का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और जूम के ऊपर टच कर देना, ठीक है। और अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा। और सेकंड क्या होगा कि फर्स्ट फोटो में हमें यूज़ करना है एक सेक का यूज़ करना है इफेक्ट, और प्लस उसको जूम आउट का यूज़ करना है, ठीक है। ये इफेक्ट लगाने के बाद हमें वीडियो को प्ले करते हैं, और वीडियो को आप देखते रहिएगा। जितना आप इस नॉर्मल स्पीड में देखिए उससे आपको अच्छा बेहतरीन समझ में आएगा। तो आप वीडियो को देखिएगा, जिस तरह से एडिटिंग हो रही है आप उसी तरह से एडिटिंग करिएगा। अप्लाई टू ऑल ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो नहीं, मेरा कहना मतलब है कि फ़ोटो को जो इफेक्ट यूज़ करते हैं उसमें अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा, तो क्या सारे फ़ोटो में आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से वीडियो बन रही है आप वीडियो को देख सकते हैं, और ये वीडियो हमारी ऑलमोस्ट बन भी चुकी है। आपको क्या करना है कि सर हर एक इफेक्ट को अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। इसका कुछ अगर समझ में नहीं आया तो मैंने इसका ट्यूटोरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख के भी इजीली बना सकते हैं। देखेगा बहुत इजी रह जाएगा, बहुत इजी मेथड है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।